नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, मेरा नाम है देव भारद्वाज और आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। क्या कि किसान भाइयों, आज की तारीख के अंदर हो रहा यूं है कि मतलब ज़्यादातर किसान भाई अपने खेतों के अंदर पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं। अब पेस्टिसाइड का यूज़ तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब पेस्टिसाइड का यूज़ जब किसान भाई करता है तो उसकी जो खेतों की जो ज़मीन है वो मतलब बंजर होती जा रही है। ज़मीनों का कार्बन एकदम डाउन हो गया है किसान भाई, पूरा कार्बन ही मतलब ज़मीनों का ख़त्म हो गया है। और ज़मीनों का अगर आपके खेतों के अंदर का आपके खेतों का अगर कार्बन की मात्रा एक बार आपकी डाउन हो गई ना, तो समझो आपको आपकी जो उपज है खेतों से वो नाम मात्र की होगी। ऑर्गेनिक खेती आपकी होना ही मुश्किल है। ऑर्गेनिक क्या, फिर तो केमिकल भी खेती आपकी नहीं होने वाली किसान भाइयों, पूरी ज़मीन ही आपकी हार्ड बन जाएगी अगर आपका ऑर्गेनिक कार्बन आपके खेतों का अगर कम हुआ तो। और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से जो ज़्यादातर किसान भाई को जो ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है और उससे उसके साथ साथ आपकी ज़मीनों का जो पीएच है वो पीएच भी मतलब हाई हो गया है, जिससे कि आपको सही उपज नहीं मिल पा रही खेतों की, या फिर आप खेती करना आपको मुश्किल हो गया है। आपके मतलब अलग अलग प्रकार के आपके खेतों के अंदर रोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे रोग आ रहे हैं कि मतलब जिनके नाम भी मैं मतलब सुना ही नहीं, ऐसे ऐसे रोग लेके आते हैं किसान भाई कि देखो देव सर, हमारे खेतों के अंदर ये रोग आ गया है, ये रोग आ गया, कभी ये रोग आ रहा है। अरे मैं कहता हूँ कि आप जैविक खेती अगर आप शुरुआत से करते हो तो मतलब आपकी ज़मीनों का रोग ही नहीं आने वाला। तो कुल मिला के बात यह है कि मतलब अगर आपकी ज़मीनों का ऑर्गेनिक कार्बन, ज़्यादातर किसान भाइयों को खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन एकदम कम हो गया है, तो उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनको देखनी पड़ रही है। अब मेन अपना सवाल क्या है कि ऑर्गेनिक कार्बन अपने खेतों का आप किस प्रकार से बढ़ा सकते हो, अपनी ज़मीनों का कार्बन किस प्रकार से बढ़ा सकते हो। किसान भाइयों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। देखो, कार्बन बढ़ाने के भी मतलब कई तरीके हैं, लेकिन विश्व के अंदर कार्बन बढ़ाने के जो मुख्य है, जो मुख्य तरीके, वो दो तरीके पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर दो ही तरीके कार्बन बढ़ाने के मुख्य, वो कौन से है? पहला तरीका है किसान भाई, वर्मी कंपोस्ट खाद। वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है, केचुआ खाद, वो वर्मी कंपोस्ट खाद ऐसा है कि मतलब वो गोबर से तैयार होता है, केचुए डाल के तैयार होता है। और वो केचुए खाद अगर आप जितना हो सके उतना आप अपने खेतों के अंदर इस्तेमाल लो। अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद अपने खेतों के अंदर इस्तेमाल लोगे तो उससे क्या है कि आपकी कार्बन की मात्रा धीरे धीरे खेतों के अंदर बढ़ना चालू हो जाएगी। लेकिन उसके अंदर क्या है कि बहुत समय लगता है, कार्बन की मात्रा बढ़ने के अंदर समय लगता है। तो सेकेंड जो तरीका है किसान भाइयों अपने खेतों के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ाने का, सुपर तरीका बताने जा रहा हूँ, सुपर तरीका, वो कौन सा है? कोयले का पाउडर। किसान भाइयों, जी हाँ किसान भाई, कोयले का पाउडर। जैसे कि आज मैं ये कोयले के गोडाउन के अंदर आया हुआ हूँ, ये देखिए पूरे मतलब बैग्स के अंदर कोयले कोयले मतलब भरे पड़े हैं। अब ये कोयले देखो, इस प्रकार के ये कोयले आते हैं, ये मतलब ये कच्चा कोयला है ये किसान भाइयों, इस प्रकार के ये कोयले आते हैं पूरे पूरे। और इन कोयले का जो ये पाउडर होता है किसान भाइयों, इन कोयले का पाउडर बहुत ही ज़्यादा मतलब है ना, सुपर पावरफुल रहता है, बहुत ही अच्छा तरीका है अपने खेतों के अंदर कार्बन बढ़ाने का। जो जैविक खेती करने वाले जो किसान हैं उनके अंदर जो करते हैं, तो वो अपनी खेती का कार्बन बढ़ा सकता है आराम से। कोई भी किसान भाई बढ़ा सकता है अपने खेतों का कार्बन ये कोयले का पाउडर डाल के। किसान भाइयों, ये देखिए इस प्रकार से ये पाउडर आएगा, ये देखिए इस प्रकार से ये कोयले का किसान भाइयों ये पाउडर आएगा। अब ये जो पाउडर अगर आप अपने खेतों के अंदर इस्तेमाल लोगे, ये पाउडर अपने खेतों के अंदर आप डालोगे, तो इससे आपके खेतों के अंदर जो कार्बन की मात्रा है बहुत ही जल्द बढ़ना चालू हो जाएगी। और मान लो ये आपने डाल दिया और आपकी ज़मीनों का और कार्बन है ना मतलब ये बढ़ गया। अब कार्बन बढ़ने से क्या होगा कि धीरे धीरे जो पोषक तत्व है आपकी ज़मीन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरोन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे। और धीरे धीरे बढ़ने के बाद जो आपकी ज़मीन है वो धीरे धीरे उपजाऊ बनने लग जाएगी। और एक बार मान लो आपकी ज़मीन उपजाऊ बन जाएगी तो समझो कि मतलब आपके बल्ले बल्ले है, ज़मीनों की उपज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और ज़मीनों के अंदर जो आने वाले जो नए नए रोग है, वो काफ़ी ज़्यादा रोगों के अंदर भी आपको रोग देखने को ही नहीं मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। आज की तारीख के अंदर मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत रोग आ रहे हैं किसान भाई, बहुत सारे रोग आ रहे हैं किसान भाई, इन रोगों से परेशान हो रहा है, ज़मीनें मतलब ज़मीनें बंजर हो चुकी है, बहुत बहुत सारी समस्या आ रही है। अगर उनसे आपको बचना है तो सबसे पहले आपको ज़मीन के अंदर कार्बन के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। और ये मान लो एक बार मतलब आपने अपने खेतों के अंदर डाल दिया, मान लो इसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ, एक एकड़ के अंदर आपको, एक एकड़ के खेत के अंदर आपको एक टन आप डाल दो, एक टन मतलब कार्बन का ये खाद डाल दो एक एकड़ के अंदर, बहुत है किसान भाइयों। और ये एक बार मान लो अपने खेतों के अंदर डाल दिया तो लगातार 4-5 साल तक ये काम करेगा, 4-5 साल तक आपको फिर कार्बन मात्रा डालने की ज़रूरत ही नहीं है किसान भाइयों। और जो यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके, 19-19 जो ये होते हैं, तो ये क्या है कि मतलब हर आपको 15-20 दिन के अंदर अपने खेतों के अंदर डालने पड़ते हैं, फिर उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है और उल्टा नुकसान और करने लग जाते हैं।
लेकिन जो ये कोयले का जो पाउडर है किसान भाइयों, अगर आप अपने खेतों के अंदर डालोगे तो लगातार 4-5 साल तक ये काम करेगा। तो अगर आपको ये कार्बन की कोयले का पाउडर चाहिए तो आप अपने आसपास के कोयले के गोडाउन के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनको बोलो कि मतलब अच्छी क्वालिटी की लकड़ी का हमें कोयले का पाउडर चाहिए, तब वो अच्छी क्वालिटी की लकड़ी का ही कोयले का पाउडर आप ले, तभी मतलब यूज़फुल है, उसके अंदर अच्छा कार्बन का कंटेंट पाया जाता है। और अगर आपको नहीं मिल पाता तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है। और जैसे कि अभी पीछे गाड़ी देख पा रहे हो, इस गाड़ी के अंदर हम ये एक बैग वगैरह लोड कर रहे हैं, ये यूपी के साइड जाने वाली है गाड़ी। और ये मतलब इधर की तरफ अपने सहायक देख पा रहे हो, तो ये सहायक यहाँ पे मतलब बैग वगैरह भर रहे हैं, तो मतलब आज तो रात होने वाली है ऐसा लग रहा है बैग भरते भरते। तो ऐसे ही मतलब किसान भाइयों, क्या है कि मतलब मैं भी मतलब काफ़ी ज़्यादा किसान भाई की मदद करता हूँ, जिनको नहीं मिल पाता उनको मैं भी यहाँ से भिजवा देता हूँ, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। और भी कई इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।